Hello everyone, this is Shalini and so far we have studied in this lesson human reproduction about male reproductive system, female reproductive system. Then we have studied about gametogenesis and we have understood formation of sperms or spermatogenesis. And now we would discuss the second part, that is your oogenesis. So let's start and read. The process of formation of mature female gamete is called oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis. ठीक है? The process formation of mature female gamete उसको oogenesis कहा जाता है, जो कि different होती है spermatogenesis से. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gametes mother cells are formed with each fetal ovary. तो oogenesis कब शुरू हो जाती है? Embryonic development stage में. ठीक है? जब जो fetus है या जो child है, अभी वो हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, तभी ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है. फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट तब से ही शुरू हो जाता है. ठीक है? व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल्स, जो ओगोनिया हैं उनमें नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ. अगर एक बार बर्थ हो जाता है गर्ल चाइल्ड का, तो उस समय कोई भी ओगोनिया ना तो फॉर्म होगा और ना ही ऐड होगा. ठीक है? दीज सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज वन ऑफ मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परेरली अरेस्टेड एट दिस स्टेज, जिसको हम प्राइमरी ओसाइट कहते हैं. अब क्या है, जो सेल है दे स्टार्ट डिवीजन अंडर द सेल स्टार्ट डिवीजन एंड दे एंटर प्रोफेज वन. कहाँ पर एंटर करते हैं वो? प्रोफेज वन पे ऑफ मियोटिक डिवीजन. उसके बाद दे गेट टेम्परेरली अरेस्टेड एट अ स्टेज जिसको प्राइमरी ओसाइट स्टेज कहा जाता है, यानी कि प्राइमरी ओसाइट स्टेज बनेगी. ईच प्राइमरी ओसाइट देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा. आपको याद रखनी है कौन सी लेयर है, अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स एंड इट इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल. और उस समय उसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी फॉलिकल. A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. अब क्या होगा, बहुत सारे जो follicles हैं ये degenerate करते हैं जब तक girl child birth से puberty तक पहुँचती है. Therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. और जब वो girl puberty में पहुँचती है, तो उस समय 60,000 से 80,000 तक primary follicles बचते हैं हर एक ovary में. The primary follicle gets surrounded by more layers of granulosa cell and new theca and are called secondary follicle. अब इस टाइम पर क्या होगा, जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल हैं वो सराउंड हो जाएंगे और लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल से, और न्यू थीका आ जाता है और वो क्या फॉर्म करता है, सेकेंडरी फॉलिकल. नेक्स्ट आ जाता है द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शरी फॉलिकल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम. अब जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा. ठीक है? और उसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी भर जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, एंट्रम कहा जाता है. The theca layer is organized into an inner theca interna and an outer theca externa. It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size. तो ये इस stage पर होता है जो primary oocyte जो tertiary follicle के अंदर है वो grow हो जाएगा size में और complete करेगा उसकी पहली mitotic division. ठीक है? Complete first mitotic division. It is unequal division resulting in formation of large haploid secondary oocyte. और इसको क्या कह देते हैं कि ये
अनइक्वल डिवीजन है और इसमें हमारे क्या बनेंगे, सेकेंडरी लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी हैप्लॉयड सेकेंडरी ओसाइट एंड टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी, और क्या बन जाती है, एक पोलर बॉडी भी बन जाती है। द सेकेंडरी ओसाइट रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी ओसाइट। अब जो सेकेंडरी ओसाइट है उसके पास बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म हमेशा ही रहता है। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस, क्या आप देख सकते हो कुछ एडवांटेज इसका क्या होगा जो हमारे पास ये सेकेंडरी ओसाइट में न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म रहता है। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन फर्दर और डीजेनरेट? एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टन अबाउट दिस। द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल जिसको ग्रेफियन फॉलिकल कहा जाता है। अब यहाँ पर ये याद रखना है, अब जो टर्शरी फॉलिकल बन रहा है वो किस में बदल जाता है, ग्रेफियन फॉलिकल्स में बदल जाता है। द सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलोसिडा, तो वो क्या बनाते हैं, नई मेम्ब्रेन बनाते हैं जिसको जोना पेलोसिडा कहते हैं। द ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम ओवरी बाय प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन। तो ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो क्या करेगा, अब रप्चर कर जाएगा और रिलीज करेगा सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। और इस समय क्या होगा, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर कर जाता है एंड रिलीज करता है हमारा सेकेंडरी ओसाइट को। सो कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस? तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इज गिवन बिलो। तो ये हमारा बताया गया है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, तो इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो एट प्यूबर्टी में क्या हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हो रही है, हम इसकी स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। तो जब प्यूबर्टी में पहुंच जाते हैं मेल्स तो स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिफरेंशिएशन होगी और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, उसके बाद अगेन माइटोटिक डिवीजन हो रही है यहाँ पर और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं, फिर सेकेंड माइटोटिक डिवीजन हो रही है और स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं और लास्ट में आपके स्पर्मेटोजोआ बन जा रहे हैं। तो इसमें से वन से लास्ट में कितने बन रहे हैं, फोर निकल रहे हैं स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर दोनों में 46 रहेगा जो कि आपका डिप्लॉयड और हैप्लॉयड 23 रहेगा। अब नेक्स्ट हम ओजेनेसिस की बात करते हैं। अब ओजेनेसिस क्या होगा, जब फीटल लाइफ है यहाँ पर मेंशन किया है, तो फीटल लाइफ में ही माइटोसिस हो रही है, प्राइमरी ओसाइट बन रहा है और वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट हो रहा है और जो हमारे फीटल लाइफ है वहाँ पर जितने भी हमारे ओगोनियम है वो प्रोड्यूस होंगे और जब बर्थ होगा, चाइल्ड होगा, प्यूबर्टी होगी तो उस टाइम आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है ये, और जब सेकेंडरी ओसाइट बनेगा तो सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ व्यू ऑफ ओवरी, ओवरी के बारे में। तो ओवरी हमारी किससे बनी है, कॉर्पस ल्यूटियम, ग्रेफियन फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, ब्लड वेसल्स और ये क्या है, ओवम है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल्स में उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम दिया जाता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड उसको मेनार्क कहा जाता है,
And in human female, menstruation is repeated at an average interval of 28 to 29 days, and the cycle of events starts from one menstruation till the next one, and it is called as menstrual cycle. तो यहाँ पर इसकी definition है. One ovum is released during the middle, और जब ovum release होता है उसको ovulation कहते हैं. During the middle of each menstrual, the major event of menstrual cycle are shown in figure 3.9, जिसको हम अभी देखेंगे. उससे पहले हम read कर लेते हैं. The cycle start with the menstrual phase, when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. ठीक है, menstrual phase, when menstrual flows occur and it lasts for 3 to 5 days. The menstrual flow result due to breakdown of endometrial lining of uterus. ये आपने जब हमने ovum का structure पढ़ा था तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि endometrial lining है, और वहाँ पर mention किया गया था कि breakdown of endometrial lining होती है in the uterus and its blood vessel which form liquid that comes out through the vagina. Menstruation only occur if the released ovum is not fertilized. और menstruation कब होगी, जो ovum release हुआ है अगर वो fertilize ना हो सके तो. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. The menstrual phase is followed by a follicular phase. अब menstrual phase के बाद कौन सा phase आता है? Second आ जाता है जी, follicular phase, ये वाला. So during this phase, the primary follicles in ovary grow to become a fully mature graafian follicle. ठीक है, तो ये जो follicle वाला phase है, इस समय क्या होता है? जो हमारे primary follicle होते हैं, वो mature graafian follicle में convert होते हैं, and simultaneously एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू प्रोलीफरेशन. और जो एंडोमेट्रियम होता है, लाइनिंग होती है यूट्रस की, वो क्या होती है, रीजनरेट करती है. दिस चेंजेस इन ओवरी एंड द यूट्रस इज इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स. अब अगेन, इस सब में मदद करने का काम किसका होता है जी, हार्मोन्स का काम होता है. दीज चेंजेस इन ओवरी एंड यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ovarian hormones. तो अब देखते हैं, the secretion of gonadotropin, again काम कौन कर रहा है जी, gonadotropins, luteinizing hormone and follicular stimulating hormone, जो हमने male के केस में भी पढ़ा था. ठीक है, LH and FSH. So gonadotropin increases gradually during the follicular phase and stimulates follicular development as well as secretion of estrogens by growing follicles. Both LH and FSH attain a peak level in middle of cycle. अब ये both क्या attain करते हैं? They both attain peak level in a middle of cycle, यानी कि 14th day को. ठीक है, rapid secretion of luteinizing hormone lead to its maximum level during the mid cycle and is called LH surge, induced rupture of graafian follicle and thereby releasing the ovum या ovulation. ठीक है, तो luteinizing hormone का क्या काम है, क्या function है, ये lead करता है luteinizing hormone surge, जो induce करती है rupture of graafian follicle and release of ovum, जिसको क्या कहा जाता है, ovulation. ठीक है, the ovulation या ovulatory phase is followed by luteal phase, during which remaining part of graafian follicle transforms as the corpus luteum. अब क्या होगा, अब next phase चलेगा हमारा ovulation का या ovulatory phase का, ये third phase है I guess. इसमें क्या होता है, luteal phase बनेगा, luteal phase, during which the remaining part, अब इसमें क्या होगा, remaining part of graafian follicle ट्रांसफॉर्म कर जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में. वो क्या बना देता है, कॉर्पस ल्यूटियम. अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, इसका फंक्शन है, इट सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम से हमारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन, और वो क्या है, वो असेंशियल है फॉर मेंटेनेंस ऑफ
एंडोमेट्रियम, ठीक है, वो किस लिए ज़रूरी है? मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, जो हमारी यूट्रस की इनर लाइनिंग में है. सच एन एंडोमेट्रियम इज़ नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम. और ऐसी एंडोमेट्रियम क्या है, ये ज़रूरी होती है इम्प्लांटेशन के लिए ऑफ ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देर इज नो मेंस्ट्रुएशन. और इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, यानी कि डीजनरेट कौन करता है जी, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है. दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियल, और ये क्या करता है, डिसइंटीग्रेशन कॉज करता है एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, और ये क्या स्टार्ट कर देगा, आप मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करेगा, मार्किंग अ न्यू साइकिल. ठीक है, और फिर ये अगेन नई साइकिल स्टार्ट कर देगा. इन ह्यूमन बींग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 ईयर्स. ठीक है, तो उसको मेनोपॉज कहा जाता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाती है. ठीक है, तो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज. ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका ये एक टॉपिक कंप्लीट होता है. अब नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, दिस वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.